भाई आज हम आए थे, मेरे टीम आए थे शुभा भाई के पास। तो भाई की स्पेशलिटी है यूरोपियन डोबरमैन, तो दिखाएंगे आपको। यूरोपियन डोबरमैन काफ़ी सारे हैं भाई के पास, और मेल्स भी हैं, फीमेल्स भी हैं, और पपीज भी अवेलेबल हैं। तो बड़ा अच्छा डिटेल लगता है। वैसे मेरे आस पास इतने सारे यूरोपियन डोबरमैन देखे नहीं थे, भाई के पास मैंने देखे हैं, और वैसे देखने में इतने अच्छे लगते ये ना भैया, मैंने ना मेरे भैया के यहाँ से ली थी तकरीब 10 महीने पहले। 10 महीने और मेरे भाई, मेरे बड़े भाई हैं, उनके यहाँ से आया क्या नहीं है, वो मेरे को इतना मैटर नहीं है। वो मैंने कभी चीज़ अच्छी नहीं मुझे जो सोच के ले आए, क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी हो गया इसकी। एज कितनी होगी भैया इसकी? 10 महीने इसकी एज होगी। 10 महीने के हिसाब से तो गाइस काफी अच्छी क्वालिटी में है। वैसे कितने टाइम बाद मीटिंग करवाते हो आप? 18 महीने की फिंगर मैट का। 18 महीने के हिसाब से कम से कम एज 18 महीने, कम से कम 18 महीने। ये बहुत आसान सुना हुआ है लेकिन पूरे क्या करनी है। कैमरा कौन सी है सर? मेरी गुड़िया है छोटी सी, एक देख रहे की देख रहे करते हैं, इसलिए देख रहे हैं। तो अभी आपको एक मेल हो और ये भी काफी अच्छी क्वालिटी में है, ये थोड़ा शांति क्वालिटी मेल है, ये सुना भैया से डिटेल होती है, तो इसकी डिटेल होता है के लिए अवेलेबल है। तो गाइस ये वैसे ये जो मेल आप देख रहे हो स्टार सर्विस के लिए भी अवेलेबल है, और भैया भी बता रहे थे कि अगर फीमेल अच्छी हो, मगर मतलब कि अगर फीमेल की क्वालिटी अच्छी हो तो भैया सोच लेते हैं मीटिंग के लिए। तो ऐसा ही है भैया, फीमेल अच्छी है, क्वालिटी अच्छी है, जैसा मेल है उस टाइप, मतलब फीमेल है ना, तो मीटिंग कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो गाइस अगर क्वालिटी अच्छी है फीमेल की तो भैया सोच लेते हैं मीटिंग के लिए, और बाकी इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। कलर कौन सा भैया? ये भैया ब्राउन कलर है। और ये वाला भैया ब्लैक, ब्लैक ये ब्राउन में है और ये ब्लैक है। वैसे भी प्यार करते हैं, प्यार तो सभी करते हैं, जब इनसे प्यार करेंगे तो ये भी हमसे प्यार करेंगे। प्यार करने वाले डॉग ब्रीड है। मेरा मानना तो यही है, हमारे घर में जितने बच्चे हैं, एक मेरी बेटी 1 साल की, वो भी इसके पास है, सबके साथ फ्रेंडली मतलब घर में छोटे बच्चे वैसे इसकी एज कितनी होगी? इसकी एज होगी कोई 3.5 साल की। तो गाइस अभी आपको दिखाते हैं काफी अच्छे कॉम्बिनेशन के पप्पीज जो कि भाई के पास अवेलेबल है। तो ये वाला मेल देख रहे हो आप और ये फीमेल, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से काफी अच्छे पप्पी हैं जो कि भाई के पास अवेलेबल हैं। और तो एक बार आप क्वालिटी देखो पप्पी की,
कलर भी आप देख सकते हो काफी अच्छा है। ये फीमेल पप है और ये अपनी मम्मी दे गई है कलर में, तो गाइस वैसे ये भी 41 डेज है, 41 डेज की है। तो वैसे ये सेल के लिए अवेलेबल है, कोई पालने में इंटरेस्टेड है लेने के लिए तो बाकी मैं तो ये कहूंगा अगर कोई इनकी केयर कर सकता है रख सकता है घर में तो ही ले, वरना कोई ना ले। अगर आप केयर कर सकते हैं, ये नहीं कि फ्लैट में रहना चाहता है पाल ले, इनकी कैदी होगी तो छोटे घर के हिसाब से सुपर होते हैं, टाइम चाहिए, हां इन्हें टाइम देना पड़ता है, प्राइस टाइम देना पड़ता है वैसे हर ब्रीड को। और बुकिंग वगैरह करवा सकते हो? हां भैया, हां एक प्लॉट है हमारा बाहर की तरफ कोई 500 गज का, उसमें छोड़ देता हूं सुबह के टाइम में अपनी मर्जी से घूम फिर के, सब छोड़ देते हो आप गाइस? भैया खुला छोड़ देते हैं इनको शाम को, भैया का प्लॉट है उसमें। और वैसे जो मैं अभी इससे पहले पप्पी दिखाया था उसका कलर अपने रेड पर था, इस वाले कलर इसकी मम्मी को है। तो ये वाले कलर से तो भैया कुछ बता रहे हैं, ये भाई है इनका नाम हर्ष कटारिया दिया है, बोले एक भाई मान लो, एक टाइम के साथ में खड़े हुआ, एक साथ मान लो, कुछ भी मान लो, ये तो बड़प्पन है भैया का भाई, बहुत साथ देते हैं। अरे हमारे विनोद भाई और शिवा भाई दोनों बड़े भाई की तरह है अपने, विनोद भाई का तो होना है, वो बड़े भाई हैं, वो तो सभी के हाथ सर पे हाथ रख देते एक तरीके से, उनकी बात अलग है, जो भी देने से भी भाई भैया देख सकते हो। तो भैया आपने वैसे अमेरिकन लेने की सोची, मतलब स्टार्टिंग से आपका यूरोपियन का ही शौक था? भैया मेरा था मन की डॉक्टर पर गवर्नमेंट का, हां अब डोरन पालने का मन था मेरा, फिर मेरे भी आया थे राइंदर गुजर, हाँ जी, उनके वो दोस्त हो गए अमेरिकन डोरमैन का, अमेरिकन डोरमैन, हाँ तो उनके यहाँ पे ये पपी था, उनके पास में दो के रो एक यहाँ का डोरमैन, तो उसके पपी थे ये दो, एक मेल एक फीमेल, तो फीमेल में आया था, मेल भैया ने सेल कर दिया, तो वहाँ से लेके आया यहाँ पे फीमेल, फिर मैं वहाँ से ले गया, फिर मैंने इसको मैच कराने की सोची, उसको मैटिंग के लिए लाया, तो मैंने इसको मैट कराने की सोची, तो फिर मैंने कहा ये मैं गया भी नहीं भैया के पास, तो मैंने वहाँ पे जाके देखे यूरोपियन डबल मैच, तो मुझे कुछ एक अलग सी चीज लगी, मैंने वहाँ पे देखा कि हर डोबरमैन ऐसे भी होते, तो मेरा इंटरेस्ट डोबरमैन में बढ़ता गया, और मैंने मैंने सोचा नहीं था कि ऐसे भी डोबरमैन होते हैं जैसे मैंने ब्रिज भैया के यहाँ पे देखा, वॉइस क्वालिटी का तो डिफरेंस होता है, और अमेरिकन जो होते तो ये भी अच्छे हैं, लेकिन उनमें क्या होता है इनके एक हेड मसल्स वगैरह, इनका टेम्परामेंट एक अलग ही होता है, इसलिए बीमार कम पड़ते हैं, सबसे मेन बात है, और कैसे भी फूड से उनको सब मीडियम मान लो एडजस्ट हो जाते हैं, सर्दियों में सब नए होते हैं, ये बहुत ही हार्ड ब्रीड है ये यूरोपियन डॉग, सब रह लेते हैं, मैंने तो देख रहा हूँ, मैं तो मुझे काफ़ी टाइम हो गया रखते रखते, देखो थोड़ी केयर तो मांगते हैं, इन्हें रनिंग चाहिए सुबह के टाइम में, और कम से कम 2 घंटे चाहिए अपने ओनर के साथ, 2 घंटे कम से कम, और फीड कितने टाइम देते हो? फीड में 2 टाइम देते हैं, 2 टाइम मतलब वो फीड देते हो या मतलब मैं ऐसा राइस वगैरह, राइस होते हैं, चिकन होता है, एग्स होते हैं, और अपना फूड वगैरह भी होता है जो मार्केट से आता है वो फूड वगैरह, वैसे एक्चुअली हम तो ज़्यादातर अपना यू ही देते हैं, राइस हुआ, चिकन हुए, एग्स हुए, वो तो वो देते हैं, 2 टाइम देते हैं, और भी देते हैं बीफ वगैरह? नहीं 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 कुछ नहीं देते, सिर्फ चिकन राइस और एग्स, चिकन का भी ये है कि हाँ अगर वो तो ना भी इसको देना पड़ता है, बाकी मैं तो ज़्यादातर एग्स ही देता हूँ, मोस्टली एग्स ही देता हूँ, और कुत्ते फिट रहते हैं अपना।
और मतलब ट्रेनिंग आप बोल रहे थे जैसे प्लॉट में करवाते तो कितनी देर, एक घंटा आधे घंटे कितनी देर करवाते हैं? ये मान लो करीब एक ही डेढ़ घंटा सभी दो कुत्तों, जो कुत्ते एडजस्ट हो जाते हैं साथ में लड़ते नहीं है, उन दो कुत्तों के साथ छोड़ देता हूँ और वो फिट रहे। एक डेढ़ घंटा भाई डेढ़ डेली डेली सुबह में भी शाम में, मैंने बताया था भाई ये छोटा हूँ वो शाम के टाइम में वो घुमाता है सुबह में घुमाते हैं। भैया वैसे दो टाइम घुमाते हैं और तो पहले आपने शौक के तौर पे पाले हुए हैं? अभी शौक के तौर पे भैया के डॉगर में। और वैसे आपने इसके पप्पी सेल किए थे अमेरिकन के पहले? हाँ सेल किए थे। इसकी एज कितनी हो गई वैसे? इसकी साढ़े चार साल की। साढ़े चार साल इसकी हो गई। ये भी बहुत मतलब इसका भी बहुत है ना एक ट्रेंडिंग नेचर है इसका भी। और कलर आपको यही पसंद आया है? हाँ कलर तो मुझे ज़्यादा यही पसंद आया, कलर तो इसके दोनों ही अच्छे हैं, जो टाइम पे मिल जाए वो अच्छा है इसका है। बाकी ये तो चीज़ें ऐसी हैं कि होंगी नहीं, दिखाई नहीं देती जल्दी वो। इस चीज़ तो अलग है भैया के पास और काफ़ी सारी हैं।